हेलो फ्रेंड्स, इट्स सोना हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाली हूँ। ये वीडियो आपको अंत तक देखनी है सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात करूंगी। देखें, इंडिया में बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपको ऑस्ट्रेलियन पीआर के बारे में क्लियर पिक्चर नहीं दिखाते, ठीक है। बिल्कुल वेग से आंसर वो देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, बहुत सारे लोगों का जो एंथुजियाज्म है वो कम हो जाता है ऑस्ट्रेलियन पीआर को लेके। बट मैं आपको ये एक चीज बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन पीआर क्वाइट इजी टू अप्लाई बाय योरसेल्फ। अगर आपको नॉलेज है, आपको प्रॉपर अवेयरनेस है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया पीआर, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। आज मैं एक ऑक्यूपेशन डिस्कस करूंगी जिसमें आप अपनी पीआर इजीली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही ऑक्यूपेशन सीलिंग लिस्ट देखी जिसमें मैंने बताया था कि सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की जो सीट्स हैं वो काफ़ी बढ़ा दी हैं, लाइक मोर देन 8,000, ठीक है। 8,000 सीट्स हैं जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की बढ़ा दी हैं। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स कौन से होते हैं, जो 13 to 18 ईयर्स तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। बेसिकली बात मैं करूँगी आज इंडियन पीपल की जो कि बीएड की हुई है और हाउ दे कैन अप्लाई ऑस्ट्रेलियन पीआर, ठीक है जी। तो प्लीज ध्यान से इस वीडियो को देखना है आपने। ये इसका ऑक्यूपेशन कोड है, ठीक है, 241411। 8,000 सीट से भी अबव सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की जो इन्होंने सीट्स हैं जो इस साल ऑक्यूपेशन सीलिंग लिस्ट में बढ़ा दी है, तो उसी को रेफरेंस मान के चलते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपने इंडिया में बीएड की भी है, ठीक है। सबसे पहला काम जो होगा ऑस्ट्रेलियन पीआर के लिए वो होगा AITSL असेसमेंट, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एंड स्कूल लीडरशिप। ये एक बॉडी है, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन बॉडी, जिससे आपको अपनी असेसमेंट करवानी होगी, डिग्री असेस करवानी होगी। वो डिग्री क्या होगी, इसके लिए मैंने दो बेसिक क्राइटेरिया लिखे हैं। ग्रेजुएशन आपने सिंपल की हुई है, आपने बीएड की हुई है, ठीक है, और इनिशियल टीचिंग एजुकेशन ये आपको दिखानी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बीएड करते हो, आपको पता है कि आपकी टीचिंग प्रैक्टिस लगती है, वो के कितने दिनों की होती है, बेसिकली 40 डेज की होती है। मैं भी अब बढ़ा दी हूँ, बट जब मैंने की थी उस टाइम पे 40 डेज की थी। आपको ये सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफिकेट कह लो या डॉक्यूमेंट ले लो कह लो, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पंजाबी यूनिवर्सिटी से किया तो आप पंजाबी यूनिवर्सिटी से ले लोगे, अगर आपने पंजाब से किया तो पंजाब यूनिवर्सिटी से ले लोगे, ठीक है। तो वो मेंशन करेगा कि आपने 45 डेज ये ट्रेनिंग की है, ठीक है, प्रैक्टिस भी बोल सकते हो आप, इन सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। आपको सबको पता ही होगा जिन बच्चों ने बीएड करी है कि वो ट्रेनिंग करते हैं, है ना, इतने दिनों की। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि आपको असेसमेंट करवानी है, क्योंकि विदाउट गेटिंग असेसमेंट फ्रॉम दिस ऑस्ट्रेलियन बॉडी, एजुकेशन बॉडी, यू कांट अप्लाई पीआर इन दिस सब क्लास फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, ठीक है जी। क्राइटीरिया टू समझें। क्राइटीरिया टू क्या कहता है, आपको जब असेसमेंट के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, जैसे अपनी क्वालिफिकेशन का ये वाला जो बेसिक मेन डॉक्यूमेंट है, साथ में आपको एकेडमिक वर्जन ऑफ आईएलटीएस भी चाहिए, ठीक है। एकेडमिक वर्जन ऑफ आईएलटीएस में आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग 8 ईच, रीडिंग एंड राइटिंग 7 ईच, ठीक है। मोस्टली आपको पता है जब हम पीआर की फाइल अप्लाई करते हैं तो कहते हैं कि जीटी जनरल आईएलटीएस चाहिए होता है, बट अब हम अभी पीआर नहीं अप्लाई कर रहे, अब हम अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ असेसमेंट, जो कि फर्स्ट स्टेप है टू गेट ऑस्ट्रेलियन पीआर, ठीक है। इफ यू वांट टू माइग्रेट एज अ सेकेंडरी स्कूल टीचर इन ऑस्ट्रेलिया, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप एंड यू कैन डू दिस बाय योर सेल्फ, ठीक है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, आप वहां से सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो इनको, फिर आप अपनी असेसमेंट करवा सकते हो। उसके बाद का जो प्रोसेस है हाउ टू अप्लाई पीआर, फिर मैं वो अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। पहले आपको अपने एंड पे ये वाला टास्क करना है। इसकी फीस है जो वैसे हर साल रिवाइज होती है,
एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न इसकी फीस $830 है, ठीक है। देख लेना थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हर साल हो जाती है, तो वो आप चेक कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा अगर आप बिलीव करते हो कि आप ये स्कोर ले सकते हो, ठीक है, आल्स में, और आपने बीएड की हुई है विद 45 डेज ट्रेनिंग के साथ, ठीक है, तो आप आराम से ऑस्ट्रेलियन पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। अब टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है ऑस्ट्रेलिया में, अब की ऑक्यूपेशन सीलिंग लिस्ट से साफ पता चल रहा है कि टीचर्स की सीट इन्होंने कितनी बढ़ा दी है, ठीक है। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस दैट हाउ आफ्टर गेटिंग असेसमेंट डन हाउ यू कैन अप्लाई पीआर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।